दोस्तों हम सभी हाथी के बारे में बचपन से सुनते आते हैं, कभी हम लोग उसको हाथी राजा के नाम से जानते हैं तो कभी मस्त मौला, मस्त मदमस्त, क्या क्या नामों से जानते हैं, लेकिन यही आक्रामक हो जाए तो चलिए दोस्तों इसके बारे में आगे देखते हैं। वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मानिक और एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद मी में। और मैं हूँ अपने हमारे हमेशा के ड्राइवर राजू के साथ। दोस्तों आज हम जा रहे हैं एक जगह पोस्टमार्टम करने, जहाँ पे हाथी एक महिला को मार दिया है। दोस्तों लोकल अपना हम जो ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण अंचल में लगे हैं, जशपुर जिला है, यहाँ काफ़ी हाथी प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ हर महीने लगभग एक दो मौत हो ही रही है हाथी से। तो दोस्तों काफ़ी दुखनीय घटना है, क्योंकि जितने भी जंगल ख़त्म हो रहे हैं तो जशपुर में जो जंगल बचे हुए हैं वहाँ पर सारे हाथी माइग्रेट होके आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाथियों से बचने के उपाय बताएंगे, क्योंकि वो काफ़ी आक्रामक होते हैं और जो भी उनके सामने आ जाए उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, चाहे आपका गाड़ी भी आ जाए, घर हो या कुछ भी हो। और इन हाथियों का आतंक इतना क्यों बढ़ा हुआ है, हमारे गांव के तरफ ही क्यों आ रहे हैं, इस सब का हम आपको इस विजिट में सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी ही अच्छा विजिट है जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज हम चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे हाथी ने अपना कहर ढाया हुआ है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये काफी जंगली एरिया है, किस तरह से आपको चारों तरफ हरे भरे हरियाली दिख रहे होंगे जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों काफी क्या है, जंगल काफी होने के कारण सारे जितने हाथी हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं आते हैं। यहाँ पे हाथियों का आतंक का एक तो मेन कारण होता है कि वो मदमस्त जो दतेला हाथी जो होता है, जब उसमें क्या बोलते हैं यौन संचरण होता है, उस समय कुछ काफी आक्रामक होता है। और एक दूसरी मादा हाथी जब उसके बच्चे को लगता है कि उसको ऊपर कुछ विपत्ति आ रही है या इसके पास कुछ अनहोनी होने वाली है, तो वो काफी ज्यादा आक्रामक हो जाता है। और रही बात गांव में घुसने की, तो यहाँ पे एक तो दो कारण है, वो खाने के तलाश में आ जाते हैं। और कई बार होता क्या है कि बनाते हैं जो मादक पदार्थ, जो महुआ दारू वारू होता है, उससे काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं वो लोग, इसके सुगंध से ही काफी ज्यादा लोग आकर्षित हो हाथी हैं जो है आकर्षित होकर गांव में आक्रमण कर देते हैं। और एक तो फल अभी जो कटहल का समय है, जो कटहल पक रहा है उसको भी खाने के लिए वो गांव के तरफ आते हैं काफी फल फूल, क्योंकि जंगल में उतना ज्यादा उनको खाने के लिए पेड़ पौधे तो मिलते हैं, लेकिन जो फल हैं वो गांव में ही मिलते हैं। इसके अलावा गांव में होता क्या है कि सभी लोग धान को रखे रहते हैं घर के अंदर, तो उसको भी कई बार वो तोड़ के घर को धान को खाने का प्रयास करता है। आप देख रहे हैं दोस्तों काफी ज्यादा इधर कटहल का पेड़ है। आप गांव के हैं तो कटहल के बारे में मालूम होगा, अगर शहर के बारे में हैं, शहर से हैं, तो आपको कटहल का पेड़ कभी देखने को मिला नहीं होगा। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, जैसे एक छोटा सा पेड़ है इसमें आप देख सकते हो कितने सारे कटहल लगे हुए हैं। ये काफी इस एरिया में काफी ज्यादा कटहल होते हैं, और जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपको और कटहल के पेड़ दिखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से काफी ज्यादा फल लगा हुआ है, मैं आपको पास से जूम करके दिखाता हूँ, इस तरह से पेड़ में लगे होते हैं फल काफी ज्यादा, आपको दिख रहा होगा ये काफी बड़ा पेड़ है। इसके अलावा और भी आगे है, इस एरिया में काफी ज्यादा कटहल मिलता है और जितने भी विक्रेता होते हैं इस एरिया से कलेक्ट करके बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करने के बावजूद भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पे दिख रहा होगा, बेचने के बावजूद भी इसमें पेड़ में काफी ज्यादा फल दिख रहे होंगे आपको। दोस्तों हमारे पास एक वीडियो है जो हम आपको शेयर कर रहे हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा एक हाथी है जो घर को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, अपने छत्तीसगढ़ जशपुर से ही है, काफी आक्रामक, देख सकते हैं आप किस तरह से वो तोड़ रहा है। तो दोस्तों ये काफी ही घातक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, आप हाथी से दूरी ही बना के रखिए वही ठीक होता है। और देख रहे होंगे कि वो घर को किस तरह से तोड़ रहा है। दोस्तों इसका मेन कारण तो क्या होता है कि घर के अंदर जो मादक पदार्थ जो इधर महुआ का दारू बनता है उसके सुगंध से वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और काफ़ी उसको महुआ को ही खाने के लिए मेन आते हैं, और जो
दारू वारू बनता है उसके सुगंध से लोग काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। घर में धान वान भी रखे रहता है, उसको भी वो लोग खाने का प्रयास कर करते हैं। तो जैसे छोटा सा क्लिप था, आपने देखा ही होगा और उसको हम दिखा रहे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं जहाँ पे आज हाथी घर तोड़ा है। तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि हाथी ने किस तरह से कहर ढाया हुआ है। आपको हम घर के अंदर लेके चलते हैं, आपको दिखाई देगा कि किस तरह से तोड़ा हुआ है। आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि किस तरह से उसने पूरा घर तोड़ दिया है, पूरे छप्पड़ उजाड़ दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तबाही मचाया हुआ है। तो दोस्तों, सोच सकते हैं कि हाथी कितना आक्रामक है। और हम आपको वीडियो में और दिखा नहीं सकते कि किस तरह से उसने यहाँ पे एक जान ले ली है, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है। पर आप वीडियो के द्वारा समझ ही सकते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे कहर ढाया हुआ है। दोस्तों, इसमें बोर्ड दिख रहा होगा, ये काफ़ी जंगली हाथी प्रभावित एरिया है, जंगल है इधर। तो इसमें हाथियों से बचने के उपाय दिए गए हैं। दोस्तों, बोर्ड में तो बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं हाथियों से बचने के, पर मैं आपको प्रमुख चीज़ों को बताऊंगा। ये तो काफ़ी सारे हैं, आप इसको कर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कभी भी आपका हाथी से सामना होता है तो आप सबसे पहले तो आप अपना धैर्य ना खोएं, कभी भी उसके पास जाने का प्रयास ना करें। अगर गलती से सामने आ जाता है तो प्लीज़ अपना धैर्य बना कर रखें और उससे दूर भागने का प्रयास करें जितनी भी जल्दी हो सके। उसके साथ मतलब भिड़ने का प्रयास ना करें। और अगर हाथी दौड़ाता है तो झीक झेक रास्ते का प्रयास करें, सीधे रास्ते में ना दौड़ें, क्योंकि हाथी को मुड़ने में थोड़ा तकलीफ होता है। इसलिए आप हमेशा दौड़ते हैं तो आढ़े तिरछे देड़िए और ध्यान रखिए कि आप गिरिए मत। आप अगर गिर गए तो सीधा हाथी आपके ऊपर चढ़ जाएगा। और रही बात घर में, जैसे गांव के लोग हैं जो मादक पदार्थ बना के रखते हैं, हाथी के टाइम जाता है तो उस समय ना रखें घर में, वही बेहतर होगा, वरना वो तो घर आपका तोड़ ही डालेगा। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि जब भी गांव में हाथी घुस जाता है तो अकेले उसे देखने या भिड़ने ना जाएं, समूह या हाथी दल को ही कॉन्टेक्ट करें। अपने जो वन में जो वन विभाग के कर्मचारी होते हैं उनको तुरंत सूचित करें और उसके आसपास वीडियो बनाने का प्रयास ना करें, उससे भिड़ने ना करें। और रही बात उसके आगे पीछे होने की तो दूर ही रहें आप, वही सबसे बेटर होगा। और पर ये क्या, आप देख रहे होंगे आगे आप जो वीडियो देखेंगे इसमें तो सारे लोग उसमें भिड़ने जा रहे हैं हाथी से। ऐसा गलती आप कभी ना करें जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। देखिए किस तरह से लोग उसमें हाथी के आगे पीछे होने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इससे शायद दूरी ही बना के रखें। दोस्तों, ये भीड़ आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि कोई मेला है, पर ये कोई मेला नहीं। दोस्तों, देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है और लोग कैसे यहाँ दौड़ रहे हैं। ओ माय गॉड, क्या है ये, तो हाथी को देखने के लिए भीड़ लगी हुई है। आप इस भीड़ में ना फंसें दोस्तों, दूर रहें, जितना भी दूरी बनाए रखें वही सही है। अब लोगों के भीड़ में जाके उसके सामने दौड़ा ना करें, वरना हाथी क्या पता किस्मत आपकी हो और अगला नंबर आपका लग जाए। तो दोस्तों, सावधान रहिए और इस चीज़ों से दूर रहिए, हाथी से हमेशा दूरी बना के रखिए, वरना पछतावा सिर्फ आप ही को होगा। हाथी बस सुनने में पर है बहुत खतरनाक। तो दोस्तों, हाथी से दूर रहिए और सुरक्षित रहिए, जितनी दूरी बना के रखेंगे वो वही अच्छा है। आप बस बच्चों के साथ YouTube में एक मोटा हाथी झूम के चला और हाथी राजा वाले सॉन्ग का मजा लीजिए, उसके पास जाने का प्रयास मत कीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको अगले वीडियो में, नए विजिट में, दूसरे जगह मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।